الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم मुअस्सिस सामईन और नाजरीन, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर बोलने की जसारत कर रहा हूँ वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईये अम्न। इस मौजू को मैंने इसकी अहमियत की बिना पर इख्तियार किया है। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है, आलमगीर गांव, ग्लोबल विलेज, और तमाम इंसान आपस में बहुत ज्यादा मरबूत हो गए हैं। कम्युनिकेशन सेकंड्स में हो जाती है। एक बात दुनिया के कोने से दूसरे तक आसान से फैलाई जा सकती है। ट्रेडिशनल मीडिया से अब सोशल मीडिया आ गया है और ये इतना आजाद है और इतना तेज है कि ये कंट्रोल से बाहर है। इस वक्त इस्लाम की तबलीग भी आसान है और इस्लाम और नबी के खिलाफ प्रोपेगंडा भी बहुत आसान हो गया है। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम का गैर हकीकी खौफ लोगों के दिलों में फैलाया जा रहा है कि इस्लाम एक दहशत गर्दी का दीन और मजहब है। और फिर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया जा रहा है। फ्रांस में हालिया वाकयात जो हुए, गुस्ताखाना खाके जो बनाए गए, वो इसी की एक लड़ी है। इसलिए इस मौजू की बहुत बड़ी अहमियत है कि सलाम असल काम और कारनामा है वो लोगों के सामने अच्छी तरह खोल कर पेश कर दिया जाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी वो अमन की तालीम थी, वो फसाद की तालीम नहीं थी। आपकी तालीम ने फसाद को खत्म करके अमन कायम किया। इसलिए रबीउल अव्वल का महीना बहुत अहम महीना है जिसमें सीरत सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना चाहिए और अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक अपने नबी का प्यारा पैगाम पहुंचाना चाहिए। सीरत सरवर आलम को समझने के लिए आज के माहौल में सबसे पहले जिस चीज पर नजर डालनी चाहिए वो ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना काम किस वक्त और किस माहौल में शुरू किया था, आपके सराउंडिंग में हालात क्या थे, वो क्या कौन सा माहौल, इस पर एक इजमाली नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी। उस वक्त की दुनिया अखलाकी पस्ती में मुबतला थी, तमद्दनी मसाइल थे, सियासी मसाइल हल तलब थे, नाजायज मुआशी इंतफा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उरूज पर थी, रूमी और ईरानी इंपीरियलिज्म मौजूद था, तबकी इम्तियाजात भी उरूज पर थे। हर किस्म के अखलाकी जमाने
मौजूद खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुल्क में सारी कौम जहालत में मुबतला थी, अखलाकी पस्ती में मुबतला थी, इफलास भूख लोगों का मुकद्दर था, खाना जंगी थी, घोड़ों के पानी पिलाने पर जो जंगें शुरू हुई वो 50-50 साल तक जारी थी। रूम के कोलिसियम के अफसाने अब तक तारीख के सफात में मौजूद हैं, जिनमें हजारा इंसान शमशीर जनी का शिकार हो गए। बादशाहों का ये शौक था कि वो शमशीर जनी करते थे और इंसानों को मारते थे, अपने गुलामों को मारकर फंसाते थे, शेरों के सामने उनको डालकर जिंदा करवाया जाता था और इस पर फख्र किया जाता था और अपने मेहमानों की तवाज़ो इस तरह की जाती थी कि उनके सामने गुलामों को मारना, उनकी तजलील करना और उनको ज़बह करना एक तमाशा समझा जाता था। यूरोप और एशिया के अक्सर ममालिक में इस बात को कोई मायूब न समझा जाता था, मुख्तलिफ तरीके से कैदियों और गुलामों को आजाद किया जाता था और इस ओहदे का, इस अहद का आम दस्तूर यही था। ये तो हुए जाहिल हुक्मरान, लेकिन दूसरी तरफ जाहिलों से गुजर कर जब आप यूनान और रूमा के बड़े बड़े हुकमा और फजला के इश्तियादात, तो इसमें इनमें भी इंसानी जानों को बेकसूर हलाक करने की बहुत सी वाशियाना सूरतें मौजूद थी और जायज थी, जिनमें रिस्तू अतून जैसे असातजा अखलाक मौजूद थे। ये माँ को इख्तियार देते थे, इनका कानून माँ को इख्तियार देता था कि अपने पेट में बच्चे को गिरा दे और उसको मार, इजाजत देता था बाप को कि वो अपने बच्चे को, अपनी औलाद को कत्ल कर दे और उसको कानून की गिरफ्त में न लाया जाए, बल्कि कानून सपोर्ट करता था कि अपनी औलाद को अगर कोई कत्ल करे तो ये अच्छा समझा जाता था और सारे गांव वाले भी मिलकर अगर किसी के बच्चा बदतमीज है तो मारने के लिए उनको हौसला अफजाई की जाए, गांव वाले मिलकर उसकी हौसला अफजाई करें और उसकी मदद करें औलाद को मारने। मुअस्सिस ख्वातीनो हजरात, खुदकुशी को उस माहौल में एक फखरिया चीज समझी जाती थी, इज्तमाय आम में आकर लोग में आकर लोग खुशी करते थे और उसकी इजाजत दी। एक खावंत अपनी बीवी को कत्ल कर सकता था, उसको यह अख्तियार दे दिया गया और कोई भी उसको पूछने वाला नहीं, कानून की गिरफ्त उसके लिए बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में खावंत के मरने पर बीवी को जलना जो था उसकी चिता में मजहबी हैसियत अख्तियार करता था। ये जो लोग कहते हैं कि वो खुद ऐसे करती थी, ऐसे नहीं था, उसको मुआशरती अखदार मजबूर करती थी कि उसका खावंद अगर मर जाए तो उसी आग में वो जले जिसमें उसके खावंद की मैयत को जलाया जाता। इंसान को तबकात के अंदर रख दिया, तबकात में तकसीम कर दिया गया था और ब्राह्मण को आला दर्जा और दूसरे लोगों को निचला दर्जा दिया गया था, शूद्रों की कोई हैसियत नहीं। किताब को अगर वो सुन ले, मुकद्दस किताब को, तो उसके कान में सीसा पिलाकर डाल दिया जाता था और शिर्क का एक आलमगीर निजाम मुरतब था।
जिस अल्लाह ने इस इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, वो इंसान उसकी मखलूकात की इबादत में लग गया, इंसान इंसान का गुलाम हो गया, और फिर इंसानियत की बातल तकसीमों का एक बहुत बड़ा फितना बरपा था। इंसानियत ने अपने इर्द गिर्द छोटे छोटे दायरे खींच दिए थे कि जिनके अंदर पैदा होने वाला अपना और उससे बाहर पैदा होने वाला गैर, और ये दायरे किसी अकली और अखलाकी बुनियाद पर नहीं थे बल्कि इत्तेफाकी पैदाइश की बुनियाद पर थे। अब किसी आदमी का ये अख्तियार तो नहीं है कि वो किस कौम में और किस इलाके में पैदा हो, ये इत्तेफाकी बात। कहीं खानदान, कबीले या नस्ल में पैदा होना, कहीं जुग्राफियाई खित्ते, खास रंग वाली या किसी खास जबान वाली कौम में पैदा होना, फिर इस बुनियाद पर अपने और गैर की तमीज शुरू हो गई। सिर्फ इस हद तक नहीं रही कि पहचान की हालत, बल्कि इस तमीज ने गैरों के साथ नफरत, अदावत, तहकीर और तजलील और जुल्म और सितम की बदतरीन शक्लें अख्तियार की। इस बुनियाद पर फलसफे गढ़े गए, मजहब घर बनाए गए, कौमों और सल्तनतों ने इसको अपना फलसफाई हयात बना दिया, अपना मसलक बना दिया। इसी के नतीजे में बनी इसराइल ये समझते थे कि दुनिया के अंदर हम सबसे बेहतर हैं, तमाम हुकूक हासिल करना हमारा जायज हक है और दूसरे लोग इसके हकदार नहीं हैं, वो घटिया लोग हैं। मौजूदा सदी के अंदर भी हिटलर का जो नजरिया, नाजी जर्मनी का यही नजरिया, इसी बुनियाद पर लाखों लोगों को कत्ल किया कि हम सबसे बेहतर हैं, हमें हक है कि हम इस दुनिया के जिंदा रहे। अफ्रीका, अमेरिका और दुनिया के दूसरे इलाकों में स्याह फाम लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े जुल्म रवा रखे गए और आज तक 1950s और 60s के अंदर मार्टिन लूथर किंग का ये नारा आई हैव अ ड्रीम, कि जब काले और गोरे एक जगह बैठेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ये ख्वाब था उसका। और यही पीछे से चला आ रहा था दुनिया के अंदर ये निजाम, ये तकसीम रंग और नस्ल की बुनियाद, ये सब चीजें फसाद की तरफ ले जा रही थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, ये वो तमाम असबाब होते हैं कि जो दुनिया को अमन की बजाय फसाद की तरफ ले जाते हैं। और आपको और हम सबको ये मालूम है कि दुनिया या कोई कौम या कोई कबीला या कोई फर्द उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसको अमन नसीब ना हो। अब ये देखना कि बेअमनी और फसाद किन वजूहात की वजह होता है, यही जो मैंने अभी जिक्र किया कि इम्तियाजात, फर्क पैदा करना, अपना और गैर का तसव्वुर, और इस बुनियाद पर नफरतें कायम करना, और इन नफरतों की बुनियाद पर फिर लोगों को कत्ल करना, ये फसाद की तरफ ये सारी चीजें ले जाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होते वक्त ये तमाम फसादात मौजूद थे, तबाही की तरफ लोग जा रहे थे, ये
इसीलिए कुरान ने फरमाया वज़कुरू निअमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना वज़कुरू के याद करो आदाअन जब तुम आपस में दुश्मन थे फअल्लफ बैन कुलूबिकुम तो उस अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना कि तुम उसकी नेमत से फिर भाई भाई बन गए वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार तुम आग के गड़े के किनारे थे फअनकज़कुम मिन्हा तो उस अल्लाह ने तुम्हें इससे बचाया كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियां बयान करता है لعلكم تهتدون ताकि तुम हिदायत हासिल करो। नबी अलैहिस्सलाम के मबऊस होने को और आपकी तालीम को एक नेमत करार दिया गया। आप जानते हैं कि उस वक्त अरब लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट मुखातिब करीबी मुखातिबीन थे वो कबाइल में तकसीम थे, कबाइल के अंदर जिंदगी गुजारते थे, कोई मुनज्जम उनका निजाम नहीं था, तबाही की तरफ वो जा रहे थे, एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे थे। मदीने के अंदर ओस और खजरज आपस में कई सालों से 50-50 साल से उनकी आपस में लड़ाइयां और फसाद थे। किसी घर में अमन नहीं था, किसी मोहल्ले में अमन नहीं था, किसी बस्ती में अमन नहीं, तबाही की तरफ जा रहे थे। और अल्लाह ताला ने इस बात को नेमत करार दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की तालीम की वजह से उनके दिलों में नफरत खत्म हो गई और मोहब्बत पैदा हो गई। और मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम की उस आला तालीम की वजह से जिसने तमाम इम्तियाजात खत्म किए और नबी अलैहिस्सलाम ने फेथ बेस्ड कम्युनिटी तख्लीक कर दी, तैयार कर दी, लोगों को ईमान की बुनियाद पर इकट्ठा कर दिया और तमाम जो झूठे नजरियात थे, तस्वुरात थे, जो मकामी और आलमगीर फसादात का बाइस बनते थे उनको खत्म करके रख दिया। चुनांचे अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान में सूरह हुजरात के अंदर फरमाया या अय्युन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइला लितआरफु इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर ए इंसानो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम्हारे खेल और कबीले बनाए हैं कि तुम तारुफ एक कर सको एक दूसरे का। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा नेक है, जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, अल्लाह ताला जानने वाला और खबर रखने वाला। यहां पर ये उस कौम को अल्लाह सुबहान व ताला मुखातब करके कह रहे हैं बजरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम तमाम इंसान एक मर्द और एक औरत से हो। यू आर मम एंड डैड इज वन आदम अलैहिस्सलाम। सूरह नास में या अय्युन नास इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा कि हमने एक नफ्स से तुम्हें पैदा किया। ये तसव्वुर जो इस्लाम ने दिया है ये ऐसा जबरदस्त तसव्वुर है कि तमाम इंसानों को एक दूसरे का बहन भाई बना देता है ये तसव्वुर। और वो तमाम इम्तियाजात जो नफरत सिखाते हैं और लड़ाते हैं आपस में उनको ये खत्म करके रख देता है। कबाइल सिर्फ फरमाया तारुफ के लिए है, ये नहीं फरमाया के लिए तफाखरू कि तुम आपस में फख्र करो। इनके लिए ये फरमाया लितआरफू बस तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाए कि ये कौन है, किस कौम से है, किस इलाके से है। बस सबसे बाइज्जत आदमी वो है जो तुम में से नेक हो,
जो खुदा से डरता हो और जो अल्लाह से डरेगा वो शख्स इंसानी हकूक भी पूरे करता है, इंसानों का ख्याल भी रखता है और अल्लाह के हकूक का भी ख्याल रखता है। वो जालिम, वो मुतासिब, वो हासिद नहीं हो सकता, वो हम्बल और पोलाइट होता है। ऐसे आदमी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात ने आला इंसान करार दिया है। बाकी तमाम इम्तियाजात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी के जरिए खत्म कर। अमेरिका में तो इस जदीद जमाने में पिछली सदी में मार्टिन लूथर किंग की मशहूर स्पीच आई हैव अ ड्रीम, उस जमाने में काले और गोरे एक बस में नहीं बैठ सकते थे। मेंटगोमरी बस जो थी उन्होंने एक हड़ताल कर दी थी इस सिलसिले में, इस प्रॉब्लम के अंदर, और ये कोर्ट के अंदर फैसला गया था कि काले और गोरे बैठ सकते हैं बस के अंदर या नहीं, और कोर्ट ने फैसला किया था एक बस में बैठ सकते हैं और एक स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये ऐलान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में 1,24,000 सहाबा के सामने कर दिया कि सुनो कि किसी अरबी को अजीब किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई दर्जा हासिल नहीं है, इल्ला बि तक्वा, मगर तक्वा की बुनियाद पर। ब्रादरान इस्लाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम चीजों का कला कमा किया जो दुनिया में फसाद का बायस बनती और उन तमाम चीजों को लागू करने की कोशिश की कि जिनके जरिए अमन आता है, और आपने दुनिया को अमन की तालीम दी, अमन सिखाया, पीस, जिसके जरिए से एक फर्द, एक घर, एक मुल्क और दुनिया तरक्की करती है। आज दुनिया के अंदर फसाद जिसकी वजह से दुनिया तरक्की नहीं कर रही, चंद लोग तरक्की कर रहे हैं और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पस्ती के अंदर जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो तमाम इम्तियाजात, चाहे वो नस्ली हों, जबान की बुनियाद पर हों, नेशनलिज्म की बुनियाद पर हों, कौम परस्ती हो, कबीला परस्ती हो, ये सब के सब बदमनी की तरफ ले जाते हैं। इस्लाम हमें एक आलमगीर तसव्वुर देता है कि हम सब इंसान एक आदम हैं, बहन भाई हैं, और हमारा रब एक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद का दर्श दिया, यूनिटी ऑफ गॉड, तमाम इंसानों को दर्श दिया, तुम्हारा एक खालिक है, और फिर वहदत दर्श दिया कि तमाम इंसान एक वहदत है, एक आदम की औलाद, ये वो चीज है जो इंसानों को जोड़ देती। तो नबी की तालीमात फसादात करती हैं, आयन करती है। नबी अलैहिस्सलाम का अगर बगौर तफसील के साथ मुताला किया जाए तो आप ये देखेंगे कि इंसानों की छोटी छोटी जरूरियात का भी ख्याल, तीन आदमी इकट्ठे हों तो दो को इजाजत नहीं है कि वो अलग होकर बात करें क्योंकि तीसरे को तकलीफ हो। नबी अलैहिस्सलाम ने इस तक भी अपने फॉलोवर्स की लोगों के इमोशनल नीड्स का ख्याल रखा जाता है। फिर आपने एक दूसरे के जो कलेमा सिखाया, ग्रीटिंग सिखाई, वो क्या, अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, एक दुआ सिखाई। यानी एक इंसान जब दूसरे इंसान को मिलता है तो ये दुआ कर रहा होता है और सुनने वाला उसको पुरामन समझ रहा होता है, अपना हमदर्द समझ रहा होता है। ये तालीम दी उस नबी, और उस नबी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने
बजरिया कुरान तालीम दी, और उस नबी ने फिर हमें तालीम दी। नबी अलैहिस्सलाम को जिन लोगों से वास्ता पेश आया वो हर किस्म के अखलाक से आरी थी, उनके अंदर किसी किस्म का कोई अखलाक नहीं था। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजलील करने की कोशिश की, तौहीन करने की कोशिश की, बेइज्जती करने की कोशिश की, आपको बदनी तकलीफ देने की कोशिश की, हर तरह का हर बात जो आपके खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकते थे कि आपके फॉलोअर्स को, आपके सहाबा को टॉर्चर किया। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजरिया कुरान हमें तालीम क्या दे रहे हैं? सूरह हामीम सजदा में आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह सुबहान व तआला ने वला तस्तविल हसनतु वल सय्या, बुराई और नेकी बराबर नहीं हो सकती। इदफा बिल्लती ही या अक्सन, ए नबी इसको उस तरीके से दफा कीजिए, दूर कीजिए जो खूबसूरत तरीका। फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, तो इस तरीके से जो आपका पक्का दुश्मन है, जिसके दरमियान आप और उसके दरमियान दुश्मनी है, ऐसे हो जाएगा का अन्नहु वलीयुन हमीम, जैसे कि वो जिगरी दोस्त। ये तालीम दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके साथ अगर कोई बुराई करे तो उसका जवाब बुराई से न दो बल्कि उसका जवाब अच्छाई से दो, और आप अपने दुश्मन को भी इस तरह आप अपना पक्का दोस्त बना लें। ब्रादरान इस्लाम, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। सवाल ये हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत अमन की तालीम, तो फिर आपने जंगें क्यों लड़ी, बदर क्यों आई, ओहद क्यों आई, गज़वाए खंदक क्यों आई, फतेह मक्का क्यों हुआ? तो इसका जवाब यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बराए जंग कोई भी नहीं लड़ी। आपने सैकड़ों जंगों को खत्म करने के लिए जंगें लड़ी। जो फसादी लोग थे, जो फसाद पैदा करते थे, उनके फसाद को रोकने के लिए आपने दिफाई जंगें लड़ी। लेकिन आज की जदीद दुनिया जिसमें वो कहते हैं कि इंसान में चोर हो चुका है, इराक को तबाह कर दिया इतना बड़ा झूठ बोल करके, उसके पास मैथ डिस्ट्रक्शन तबाही के बड़े पैमाने पर तबाही के हथियार हैं इस पर, और फिर बाद में तबाह करने के बाद कहा कि हमारी ये गलती थी, इतना बड़ा झूठ बोल कर। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग के कवानीन हमें दिए, उनमें औरतों और बच्चों और फसलों की जो तहफ्फुज़ का दर्ज दिया, जंग के कानून उस जमाने में जो 7वीं सदी थी, किसी तरह भी जंग के कोई कानून मुरतब नहीं थे। रोम ने जब फारस पर कब्जा किया तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी, और जब वापस रोमियों ने फिर उन पर कब्जा किया तो फिर उन्होंने भी यही तरीका अख्तियार किया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी हैं उनमें एक उसूल और कानून के तहत, और जंगों को खत्म करने के लिए आपने लड़ी। नबी अलैहिस्सलाम का जो नजरिया है, जो तालीम है, इस्लाम लफ्ज़ से इस्लाम के अंदर मौजूद है, पीस अमन का दर्स। हाँ, जो दुनिया के अंदर इस वक्त कुछ दहशतगर्द तंजीमें पैदा हो गई हैं, उन्होंने एक अपना फलसफा हयात देकर या अपना तरीका अख्तियार करके एक दहशतगर्दी का निजाम सामने लाने की कोशिश की है जिसको इस्लाम समझा जाता है। ये वो इस्लाम नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। मुअज्जज सामेईन और नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलाम दाईये अमन थे, आपने अमन की तालीम दी है, और उन्हीं की तालीम पर अमल करके तमाम इंसानियत
पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकती है। अल्लाह सुबहानहू व तआला हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।